सभी सुंदर साथ को कोट आन कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 32 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग गौरी। रे जीव जी जिन करो या सो नेहड़ा, झाको सन्मुख नाही शरम, तासो नाही मिलवे को धर्म। ये तो भूलवनी कोई भ्रम, कोहेड़ा सो लाग्यो करम। जीव को उदिष्ट यानी लक्ष्य कर सुंदर साथ को उपदेश देते हैं। हे जीव, पांच तत्व के द्वारा बने हुए इस नश्वर शरीर पर ममता मत रखो। जिस शरीर को अपने साथी जीव को छोड़कर सामने से जाते हुए लज्जा भी नहीं आती, उसके साथ ममता रखना तेरा धर्म नहीं है। यह शरीर तो भुलाने वाला ब्रह्म मात्र है। तू तो कुहीर के समान कर्मों के जाल में उलझा हुआ है। नामे जाको परपंच, तिन सबको मूल शरीर, या बन थे बाग विस्त्रियो, जानो भरिया मृग जल नीर। जिसका नाम ही परपंच है, उन परपंचों यानी सांसारिक बंधनों का मूल ही यह शरीर है। इसके द्वारा ही बाग बगीचे की भांति माया का विस्तार फैला हुआ है। मानो चारों ओर मृग जल के समान जल भरा हुआ है। रे जीव शरीर मंदिर सुहामनो, चौदे खुने रे आवास, इनके भरोसे जे रहे ते निकस चले निरास। हे जीव, यह शरीर रूपी मंदिर अति सुंदर दिखाई दे रहा है। इस आवास के 14 अंग, 10 इंद्रिया और 4 अंतकरण हैं, जो इनके भरोसे रहते हैं। वे अंत में निराश होकर चले जाते हैं। खास छजे गोख जालियां, या में केती मिलाई धात, संधो संध समारियां, मिने हकीकत कई हिकात। इस शरीर रूपी मंदिर में चांदनी जैसा ललाट, छजे के समान कंधा, गोख के समान नेत्र और नाक के समान झालियां लगी हुई है। जिस प्रकार भवन में विभिन्न पदार्थों का उपयोग होता है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी भवन में भी धातुओं के रूप में मांस, मज्जा, रक्त, हड्डियां, त्वचा आदि का उपयोग कर शरीर के अंगों को भलीभांति जोड़ा गया है। महान कलाकार की कला कौशल का यह आदर्श उदाहरण है। मेहनत करी केती यहाँ पर, विद-विद बांधे बंध, जानिए सदा नेह चल, ए रचियो ऐसी सनमंध। इस शरीर की रचना विभिन्न प्रकार के अंशों को जोड़कर बड़े परिश्रम से की गई है। उसे देखकर संसार के जीवों को यह आभास होता है कि यह अखंड रहने वाला है। इसकी रचना ही इस प्रकार से की गई है। गुण पख अंग इंद्रियां, सबके जुदे जुदे स्वाद, तरफ अपनी खेच ही खेलत मिने विवाद। इस शरीर में 3 गुण सत्व रज तम, 4 अंग अंतकरण तथा 10 इंद्रियों का समूह है। इस उन सब के अलग अलग स्वाद हैं। ये सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग इनके मोह में उलझ कर परस्पर वाद विवाद करते हैं।
या वन थे बाग रंग फूलिया, जाने लेसी सुख अपार, अधबीच उछे दिया, सो करता गया पुकार। मायावी वन के समान इस जगत के कुटुंब परिवार रूपी उपवन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरे हुए मायावी रंग के विभिन्न पुष्प खिले हैं। उन्हें देखकर जीव को आभास होता है कि इनसे अपार सुख प्राप्त होगा, परंतु बीच में ही मृत्यु द्वारा उसका नाश होता है। इसीलिए पश्चाताप के साथ उसे संसार छोड़ना पड़ता है। मोहे बाग रंग मंदिरो, से जड़िए सोए करार, सो काढ़े कंठ पकड़ के गए कल कलते नर नार। हे जीव, इस संसार रूपी मंदिर के कुटुंब परिवार रूप बाग में मोहित होकर रंग कर झूठे सुखों की सैया पर चैन की नींद सो रहे हो। जब काल गला पकड़कर इस मुख सैया पर से खींच ले जाता है, तब सब नारी रोते कलपते हुए चले जाते हैं। ए अन मिलती सो ना मिलिए, जाको साचो नाही संग, नाही भरोसो खीन को, ज्यो रैनी को पतंग। इसीलिए हे जीव, जिस शरीर ने अंत तक कदापि किसी का साथ नहीं दिया, उसके साथ मित्रता मत रखो। इसका संग सच्चा नहीं है। जैसे पतंग रात में ही पैदा होकर रात को ही मर जाता है, इसी प्रकार इस शरीर का भी क्षण मात्र का भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों रे नेहड़ा यासो कीजिए, जो मिल के करे भंग, एक रस होइए क्यों तीन से, नेह चलना ही जाको रंग। हे जीव, तू इस मायावी शरीर के साथ ममता क्यों रख रहा है? क्योंकि यह तो थोड़े दिन साथ देकर फिर धोखा दे देता है। ऐसे मायावी शरीर के साथ एक रस क्यों हो रहे हो, जिसका रंग ही स्थायी नहीं है? ऐसे कई उजाड़े मंदिर, ये सबको देवे छेह, मिला पे में रंग बदले, अधबीच तोड़े ने हो। ऐसे अनेक मंदिर यानी शरीर उजाड़ दिए गए हैं, क्योंकि यह सबको धोखा देता है। इससे मिलते ही यह जीव को अपने मायावी रंग से रंग देता है, फिर बीच में ही अपना साथ छोड़ देता है। रे जीव शरीर रची से जड़ी, इत आवे नींद अपार, ए सूते ही पटकाव ही पुकारन पीछे बहार। हे जीव, यह शरीर रूपी सैया इस प्रकार बनाई गई है कि उस पर सोते ही अज्ञानता की गहरी नींद आ जाती है। वह इस प्रकार सोते हुए जीव को नींद में ही 84 के फेरे में पटक देता है, फिर उससे बाहर निकलकर कुछ बोला भी नहीं जा सकता। या सो तो मनड़ो माने नहीं, जो छोड़े ए अत्रियाल, उर जाए आप न्यारी रहे, जीव को बांध देवे मुख काल। जब तक यह देव जीव को ऊंचा उठाकर बीच में ही पटक नहीं देती, तब तक यह मन माया से नहीं भरता। यह देह तो जीव को कर्म बंधन में बांध कर उलझा देती है, एवं काल के मुख में उसे धकेल कर स्वयं अलग हो जाती है। रे जीवनी के जानिए ए भूलवनी, इत भूले सब कोए, या रंग रसे जो भूल ही,
तीन करड़ी कसोटी होए। इसीलिए हे जीव तू भली भांति समझ ले कि यह मायावी देह भूल भुलैया का खेल है। इसके संग में आकर सभी जीव मार्ग भूल गए हैं। इसके रस रंग में फंसकर जो जीव ब्रह्म प्राप्ति के सत्य मार्ग को भूल जाएगा उसकी कड़ी कसौटी होगी, अर्थात उसे नाना योनियों में जाना पड़ेगा। कांटे चुभे दुख पाइए, सेह न सके लगार, पर होत है मोहे अचंभा, ए क्यों सहसी जम मार। शरीर में एक कांटा चुभने पर भी बड़ा कष्ट होता है, वह सहन नहीं होता, किंतु मुझे आश्चर्य होता है कि यह जीव कर्म बंधन में बंध कर यमराज की मार कैसे सहेगा। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अगीन, पीछे लाख 84 देह में जलसी रात और दिन। इस झूठे शरीर में रहते हुए चिंता और संताप रूपी भयंकर आग जलने लगेगी, फिर मृत्यु के बाद 84 लाख योनि में घूमते हुए रात दिन झुलसना पड़ेगा। ए देखी अजाड़ी आँखा खोल के, या की तो उल्टी सनंद, ए मोहड़ा लगावे मीठड़ा, पीछे पड़िए बड़े फंद। मैंने आँख खोलकर देखा कि यह देह तो फंसाने वाली खाई के समान है, इसकी कार्यशैली ही उल्टी है। यह सर्वप्रथम मीठा मोह उत्पन्न करती है और अंत में बड़े जाल में फंसा देती है। ए अंधेरी है विकट, ए जाहिर रची जम जाल, ए पहले दिखावे सुख शीतल, पीछे जाले अगिन की झाल। यह मायावी देह गहन अंधकार के समान है, वस्तुतः यह तो प्रत्यक्ष यमपास ही है, क्योंकि यह सर्वप्रथम जीव को ललचाने के लिए इंद्रियों का सुख देती है और अंत में कर्म फल की अग्नि की ज्वाला में जला देती है। ए धुतारी को न धीरिए, जो उपलटे रंग परवान, ए विश्व बंधे वैराट को, सो भी निगलसी निर्वाण। इस ठगिन देह का तनिक भी विश्वास मत करना, क्योंकि यह तो क्षण में ही अपना रंग बदलती रहती है। इस विराट विश्व के जीव इसी देह के बंधन में बंधे हुए हैं, यह निश्चय ही सबको निगल जाएगी। ये सब मोहे इन मोहिनी रे, पर इन बांध्यो न कासो मन, जीव को याते बिछड़ते, बड़ी लागी दाज अगीन। इस मोहिनी माया ने सब जीवों को मोह लिया है, किंतु यह स्वयं किसी से मोहित नहीं हुई, परंतु जीव को इससे अलग होने में अति कष्ट होता है। प्रकरण 33 चौपाई 399। हे सुंदर साची, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 33 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साची, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।